जनपद अंबेडकर नगर के थाना आलापुर क्षेत्र में हत्या होने से फैली दहशत। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुरेंद्र कुमार दास ने आलापुर थाना क्षेत्र के जंगरा गांव पहुंच किया दोहरे हत्याकांड के घटनास्थल का निरीक्षण। गांव में अगल बगल कई घरों के बंद रहे दरवाजे। अपर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार दास ने मातहतों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बताया जाता है कि दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने लिया हिरासत में। अन्य आरोपियों की हो रही तलाश। लाइसेंस या असलाह से वारदात को दिया गया था अंजाम। हिमाचल प्रदेश का रहने वाला शशिकांत मौर्य अपने घर सरावा गांव आने के बजाय पहुंचा था अपनी प्रेमिका वंदना चौहान के घर, जहां गुरुवार को की गई वंदना व शशिकांत की हत्या। घटना की सूचना मिलने के बाद क्षेत्राधिकारी के अलावा थाना अध्यक्ष आलापुर जहांगीरगंज राजे सुल्तानपुर जलालपुर भी महफूज घटनास्थल पर पहुंचे। जनपद अम्बेडकर नगर में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध निरंतर की जा रही कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर संतोष कुमार मिश्रा के निर्देश पर थाना कोतवाली अकबरपुर व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम गठित कर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में जनपद में चलाए गए अभियान के तहत गैर जनपद भागने की फिराक में लुटेरे व डिग्गी से पैसा निकालने वाले चोरों के गैंग के दो अपराधियों को रोडवेज बस अड्डा अकबरपुर से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से रुपए व मोटरसाइकिल बरामद की गई। जनपद अम्बेडकर नगर में अपराधियों की धरपकड़ एवं अपराध की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इसी के तहत अम्बेडकर नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अकबरपुर कोतवाली में कुछ घटनाओं को अंजाम दिए गए एक बड़े गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। ये जो गैंग था ये मूलतः गोंडा के साइड के रहने वाले इसमें जो है अपराधी हैं और इनका जो है आपराधिक इतिहास है। और इन्होंने न सिर्फ अम्बेडकर नगर एवं आसपास के जनपद अपितु लखनऊ एवं बाहरी राज्यों में भी अपराध को किया है। और इसमें से एक जो मुलजिम है राघव राव, ये राजस्थान से भी जेल जा चुका है। इसके तीन गैंग मेंबर थे, दो को पकड़ लिया गया है, एक अभी वांछित है। और इनके पास से जो अकबरपुर में टप्पेबाजी हुई थी उसके पैसे कुछ बरामद हुए हैं और एक लूट की घटना हुई थी उसके भी जो है पैसा था वो बरामद हुआ है। इनके बाकियों जो साथी थे उन पर भी लगातार कार्रवाई करवाई जा रही है।